दोस्तों नमस्कार। आज आपसे रूबरू हो रहे हैं एक ख़ास टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो महात्मा गांधी के जीवन से ही संबंधित है। और बात करें तो गांधी के विचारों को जीवन में आत्मसात करने का जरिया इस पुस्तक से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नाम आपके सामने है, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, मोहनदास करमचंद गांधी। ये बड़ी साधारण सी पुस्तक है। ये आप देख रहे हैं गांधी जी ऑटोबायोग्राफी, और ये हिंदी संस्करण है इसका। और इसकी जो मात्र कीमत है वो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 80 रुपीज़ है। स्पेशल एडिशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी जी के 150वीं जो जन्म शताब्दी मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में ही इसकी कीमत मात्र 80 रुपये रखी गई। और मेरा सौभाग्य है कि आप ये देखिए, मुझे जब भी कहीं से भी पुस्तकों का कहीं से कोई उपहार भी अगर मिला, वो हालांकि सहजिल्द थे, कवर अप थे, और हालांकि जब मैंने उनको खोला तो मुझे ये 3 पुस्तकें अलग अलग समय पर उपहार स्वरूप ही मिली हैं। उपहार स्वरूप मानिए, इनाम के रूप में मानिए। और जैसा कि ये बहुरूप गांधी है, बड़ी साधारण सी पुस्तक है और बहुत पुरानी पुस्तक है। अगर आप इस पे मैं आपको नज़र डालूं तो आप ये देखिए, ये पुस्तक है अनुबद्धोपाध्याय, और प्रस्तावना इसकी आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो आप ये मान सकते हैं कि पुस्तक कितनी पुरानी है। NCERT के द्वारा सौजन्य से लिखी गई है और मात्र इसकी कीमत 10 रुपये। तो आप ये संस्करण देख सकते हैं, इसका प्रथम संस्करण है अगस्त 1971 और पुनर्मुद्रण 1995। और जैसा कि यह है, माँ को जिसने मुझे सब कामों की कद्र करना और खुशी से उन सभी के हाथों सभी में हाथ लगाना सिखाया। और ये इसकी प्रस्तावना है जो कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के हस्तरचित है। आप देख सकते हैं 10 मार्च। और यह पुस्तक बच्चों के लिए, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत से बड़े बड़े लोगों से भी इसे खुशी से पढ़ेंगे और लाभ उठाएंगे। गांधी जी को लेकर कितने भी किस्से कहानियां बन चुकी हैं, उन्हें जिन्होंने देखा नहीं, खासतौर से आजकल के बच्चों ने, वे ज़रूर सोचेंगे या सोचते होंगे कि वह कोई बहुत ही अनोखा व्यक्ति या अलौकिक पुरुष थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। इसलिए उन लोगों के सामने उनके जीवन की मामूली झांकियां रखना बहुत ज़रूरी है। इस किताब से यही किया गया है। सुनकर ताज्जुब होता है कि वह कितनी चीज़ों में दिलचस्पी लेते थे, और जब दिलचस्पी लेते थे तो पूरी तरह लेते थे। उनकी ये दिलचस्पी दिखावा मात्र नहीं होती थी। जिन चीज़ों को मामूली या छोटी चीज़ें समझा जाता है, उनको भी वह बहुत लगन और कुशलता के साथ करते थे। यही बात उनकी इंसानियत को उजागर करती है और उनके चरित्र का यही आधार है। मुझे खुशी है कि ऐसी पुस्तक लिखी गई जिसमें हमें बताया गया कि गांधी जी राजनीति और सार्वजनिक जीवन के अलावा किस किस तरह के काम किया करते थे। इससे शायद उनको हम और अच्छी तरीके से समझ सके, नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू। तो कहने का मतलब, जो एक कोर्स हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ये थोड़ा लंबा चलेगा, जिसके अंतर्गत ये विषय सूची है, ये इनके बहु रूप हैं जिनको आप देख रहे हैं,
कर्मयोगी के रूप में, बैरिस्टर के रूप में, दर्जी के रूप में, धोबी के रूप में, नाई के रूप में, भंगी है, मोची है, नौकर है, रसोईया है, हकीम है, दाई है, शिक्षक है, बुनकर है, कतैया है, बनिया है, किसान है, नीलाम वाला है, भिखारी है, डाकू है, कैदी है, सेनापति है, लेखक है, पत्रकार है, मुद्रक और प्रकाशक, नई रिवाज वाले, सपेरा, पुरोहित और कै न जाने कितने रूप। इसलिए पुस्तक का नाम ही रखा गया है बहुरूप गांधी अनुपोपाध्याय। साधारण सी पुस्तक है, बाज़ार में मिल सकती है आपको, जो आपको मदद करेगी, क्योंकि हम विशेष रूप से बातचीत कर रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा एक शानदार प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है, आप ये देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा राज्य स्तरीय महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022। और ये जो जद्दोजहद सरकार की है, मेरे अनुसार वास्तविक सैल्यूट करने वाला कदम है, कि आज के इस भागदौड़ की दुनिया में अगर हम देखें तो वास्तविकता में हम उन गांधी मूल्यों को भुला ही चुके थे, और गांधी को जहां राष्ट्रपिता, सामान्य से अगर बच्चों से पूछा जाए तो रुपये के पीछे उनका चित्र अंकित है और लाठी लेकर चला करते थे, कुछ ऐसे ही जवाब उनसे मुझे प्राप्त हुए। परंतु सरकार अगर इस तरीके के प्रयास कर रही है कि सर्वोदय विचार परीक्षा, जो कि ये तीसरा प्रयास है सरकार का, और पहले प्रयास जहां 2019 में कोरोना के जस्ट पहले जो शुरू किया गया था, जो रखा गया था कक्षा 9 और 11 के लिए स्कूल स्तर पर और बाकी महाविद्यालय स्तर पर, उसके बाद जो परीक्षा हुई वह परीक्षा 9वीं से 12वीं के लिए रखी गई, और उसके उपरांत अब जो है ये परीक्षा सर्वोदय विचार परीक्षा 2022, ये थोड़ा परिवर्तित किया गया। इस परीक्षा में ग्रुप 1 है जहां कक्षा 6 से 8 और ग्रुप 2 में कक्षा 9 से 12 और ग्रुप 3 में महाविद्यालय में अध्ययन विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। ग्रुप 1 के लिए परीक्षा में मात्र कितने प्रश्न हैं, 50 प्रश्न बहुवैकल्पिक हैं जिन्हें 90 मिनट में हल करना है, यानी कि आपके पास 1.5 घंटे का समय है। ग्रुप 2 और 3 के लिए परीक्षा, तो जो बच्चे 9वीं से 12वीं के हैं उनके लिए 100 वैकल्पिक बहु MCQs आएंगे और जिन्हें आपको 90 मिनट में पूरा करना है, यानी कि थोड़ा कठिनाई स्तर अलग होगा। और ये परीक्षा 12 अक्टूबर 2022 को अपराह दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाएगी और सभी जिलों पर इसके निर्धारित केंद्र आयोजित होंगे, और इस समय आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे, और कल जैसा कि इसकी आखिरी फॉर्म भरने की आखिरी दिनांक है। ये फॉर्म का फॉर्मेट है। अब बातचीत करते हैं थोड़ा सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले बच्चों के सवाल भी आ रहे थे कि पढ़ना क्या है, कैसे तैयारी करें। तो सच्चे तौर से ये जो वीडियो में मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये सिलेबस के बारे में ही बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ से भी आपको जो भी जानकारी मिलती है उसको पढ़िए ज़रूर, वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी आपके किसी न किसी रूप में। तो ये कक्षा 6 से 8 के लिए आप देख रहे हैं, प्रश्न पत्र 50 अंक हैं, बहुवैकल्पिक हैं, MCQs हैं, 1.5 घंटा समय है। पहला है आपका महात्मा गांधी के जीवन के परिचय और विरासत, ये आप देख रहे हैं, और जीवन परिचय है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, रचनाएं हैं, गांधी जी की पुस्तक सत्य के प्रयोग मेरी आत्मकथा, ये जैसा कि आप मैं आपको दिखाया ये है एक पुस्तक, और बाकी भी बात करेंगे अभी आपसे। फिर अहिंसा का अर्थ है, प्रकृति है, अहिंसा के अन्य सद्गुणों के संबंध, मानव स्वभाव और अहिंसा के प्रकार व महत्व है, सत्य का अर्थ प्रकार जानने की विधि, महत्व साध्य और साधनों की पवित्रता, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सत्याग्रह, सत्याग्रह के गुण, सत्याग्रह के प्रमुख साधन, असहयोग, हड़ताल, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, धरना, फांसी, हिजरत और निष्क्रिय प्रतिरोध,
ये अलग अलग माध्यम थे जिनके माध्यम से साधन थे, जिनके उन्होंने असत्याग्रह के रूप में इनको काम में लिया। इस पे आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं, नज़र डालेंगे उन पे। गांधी जी के आंदोलन हैं भारत में, आंदोलन चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा है, बारदोली है, खिलाफत है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और वर्तमान युग में गांधी की प्रासंगिकता, गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम की महत्ता वर्तमान परिपक्ष में, सद्भाव, शांति, अहिंसा के प्रचार प्रसार में गांधी दर्शन का प्रयोग। तो ये एक साधारण सा आपका सिलेबस है कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए। बारी बारी से बात करेंगे थोड़ा सा। अब आप अंतर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को जोड़ दिया गया है जो सिलेबस 9 to 12 के हैं। महात्मा गांधी के विचार विरासत पहले है ऐसा कैसा हमने पढ़ा, ये सब। अहिंसा का अर्थ दोनों जगह यहाँ पर भी है, सत्य का अर्थ भी है, सत्याग्रह भी है। नई चीज़ है पाश्चात्य लोकतंत्र, स्वराज, संसदीय लोकतंत्र, दलीय व्यवस्था, राज्य, रामराज्य, स्वतंत्रता और लोकतंत्र, अधिकार और कर्तव्य, ग्राम गणराज्य। गांधी जी ने कहा था कि भाई किसी राष्ट्र का अगर आपको निर्माण करना है, विकास करना है, तो वो गांव से प्रारंभ कीजिए, ग्रास रूट से करना चाहिए। तो वो ग्राम गणराज्य की अवधारणा इन्हीं से आती है। सर्वोदय है जो अंटुदा लाल रस्किन की पुस्तक है, और अभी इस परीक्षा का नाम भी महात्मा गांधी सर्वोदय विचार है। तो वाकई में सर्वोदय जिस तरीके से गांधी जी को परिवर्तित किया था इस पुस्तक ने, रस्किन की पुस्तक ने, और वास्तविक समय में आज का जो समय चल रहा है, तो ज़रूरी है एक इस तरीके की परीक्षा का आयोजन करना कि विद्यार्थियों में वह सर्वोदय के विचारों को आत्मसात कर सके और जीवन को एक उदाहरण स्वरूप बना सके, एक अच्छे व्यक्तित्व को विकास करने में। ये सभी गुण आपको भावी जीवन में मददगार साबित होंगे। सर्वोदय है अस्पृश्यता निवारण, स्त्री उत्थान, मत निदेश, ट्रस्टीशिप्स, रोटी के लिए शरीर श्रम, यांत्रिकरण पर विचार। ये सभी चीज़ें हैं, इन पे डिटेल पे मैं बात करूँगा। बारी बारी से इन पे वीडियो तैयार कर रहे हैं और आपको मिलते रहेंगे। गांधी के आंदोलन हैं पहले, जहाँ 6 से 8 के लिए अगर आप देखें तो इसमें भारत के ही आंदोलन हैं, और 9 से 12 के लिए अगर आप देखें तो इसमें अफ्रीका के आंदोलनों को और जोड़ा गया है। तो अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग का आरंभ है, भारत में आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा है, बारदोली है, ये सब है। खाली नया ये आंदोलन, ये सारी चीज़ें। तो ये कुल मिला के आप ये देख रहे हैं, ये सभी पुस्तकों से ही इस परीक्षा को पास करने का जरिया है। ये पुस्तक भी बड़ी पुरानी है, ये भी मुझे उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी। और ये आप देखें कि ये गांधी जी के जब जन्म शताब्दी के 100 वर्ष पूरे हुए थे तब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, 100 वर्ष होने पर। और आप ये देख रहे हैं, ये इसकी कीमत है, मात्र 5 रुपये में मिलेगा पूरा सेट। एक एक रुपए में निकाली गई थी ये पुस्तक आज से 50 साल पहले, तो काफ़ी बदलाव। तो ये पुस्तक भी है, ये मुझे कॉन्वोकेशन के समय मिली थी। तो इसी तरीके से परीक्षा में आप जुड़े रहिए, बातचीत होती रहेगी आप लोगों से। आगे मैं आत्मकथा के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। नमस्कार, जय।